पंजाब दे विचों ने दिन वड्डियां वारदातां निकल के सामने आ रही ने। ताज़ा मामला सामने आया जिथे पैसे दे लैण देण दे चलदियां शरेआम एक नौजवान ने सामने वाली धिर ते ताबड़ तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दिती। यही नहीं, ये सारी घटना दुकान दे बाहर लगे सीसीटीवी कैमरिया दे विच भी कैद हुई है। दस दिए कि संघनी आबादी वाला इलाका दसिया जा रहा है जिस दे विच फायरिंग की गई है। इस फायरिंग दे विच एक नौजवान जख्मी दसिया जा रहा है जबकि गोलियां चलाने वाला इस समय फरार है। पर पूरी तमाम जानकारी है जिहड़ी वह मेरे सहयोगी पटियाला तो रणदीप सिंह हुणा तो लवांगे पूरी जानकारी कि किवें वारदात वापरी है और उस तो बाद पुलिस इस नूं लैके की कुछ कर रही है। रणदीप जी, इस वारदात नूं ने जिहड़ा है वह वड्डे सवाल खड़े किए ने क्योंकि जानकारी के अनुसार इस संघनी आबादी वाला इलाका और उस इलाके दे विच इस तरीके की घटना सामने आना किस तरीके दे नाल पुलिस की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल तुम मैं दस देना चाहना प्रियंका, जो वारदात हुई है बहुत ही घनवा इलाका है पटियाले का एरिया दसा जाता क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जो कल एक क्रेटा गड्डी के उत्ते जो ये अपना घोड़ा आता है यानी कि गुरप्रीत सिंह घोड़ा ठीक है, तो उस तो बाद परले पास परमिंदर सिंह अपनी एक्टिवा उत्तों लंघ रहा होंगे तो आपस के घूरम घराई होंगी है तो दोनों जने जो बाजार के खड़ जाते हैं तो बहस होंगी इन्हों की आपस के कुछ समय बहस भी देखी जाती है प्रियंका। तो उस तो बाद जो घोड़ा निकलता है तो घोड़ा एकदम फायर कर देता, तो पहला फायर जो निकल जाता, दूसरा जरा वै वह जो फायर है वह परमिंदर की बांह के उत्ते लग जाता है। तो प्रियंके उस तो बाद बहसबाजी के जरा होंगे ये गोली वजन तो बाद जो माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता तो उत्थे स्थिति जी है काफी गर्मा जाती है प्रियंका जी। रणदीप जी, साढ़े तक जानकारी ये भी निकल के सामने आई कि जिस तरीके नाले फायरिंग हो रही थी लोग तमाशा देख रहे थे पर किसी ने भी हमलावर नूं है जड़ी और रोकण की कोशिश यानी कि घोड़े नूं रोकण की कोशिश जिस नौजवान ने गोलियां चलाईया उसनूं नहीं की गई। हाँ बिल्कुल प्रियंका, देखा जाए तो पिछले दिनों के लगातार लॉ एंड ऑर्डर की जी स्थिति है वो खराब होती जा रही है। तो पिछले सिद्धू मूसेवाले का कतल होता है, अंबिया वाले का कतल होता है, तो उस तो बाद लोग भी जोड़े ने होंगे क्योंकि हथियार ने उन्होंने को देखो घोड़े के हाथ के साफ तौर पर दिखाया जा रहा है वो पिस्टल है। तो क्योंकि जोड़े लोग अजकल परहेज करते हैं क्योंकि गोली चलाने दो मिनट लाते हैं क्योंकि पहला जी है गोली वे बांह से लगी है, तो उस तो बाद जो लोग जरूर तमाशा देखते हैं। पर पुलिस को भी फोन किया गया और पुलिस भी जी उसे समय से नहीं पहुंचती, थोड़ी लेट पहुंचती है प्रियंका। तो पर उस बिल्कुल मैं तुम दस देना परमिंदर और जरा घोड़ा इन्होंने जो रिश्तेदार ने इन्हों पैसे लैके लैण देन कुछ थोड़ा समय पहला समझौता हो जाता है पर जी आपस जी रंजिश है प्रियंका लगातार देखने मिल रही थी इन्होंने। तो जो लोग दसते ने सूत्र दसते ने रंजिश जी लगातार जा रही थी जिम्मे घूरम कराई हो जाती है। तो एक एरिए रहने वाले दस पटियाले रहने वाले ने तो एको मुहल्ले रहने वाले ने, तो जो ये आपस के एक दूजे देखते हैं तो कौड़ी निगाह के नाल देखते हैं। तो कल जो ये धर्मपुरा बाजार के लंघे जा रहे थे दोनों जने तो फिर घूरम कराई होंगी है, रुक जाते हैं, बहस हो जाती है, बहस तो बाद जो घोड़ा एकदम गर्मी के अपना फायर कट देता नाल दी नाल तो जो परमिंदर जो कल फायर होंदा तो उस तो बाद जिहड़ा वह कि उस घोड़े पटियाला रजिंदरा सॉरी परमिंदर पटियाला रजिंदरा हस्पताल दाखिल करवा दिया गया पर स्थिति जी नॉर्मल है यानी खतरे तो बाहर है, कोई इस तरह की गल नहीं है। बाकी जो घोड़ा है धर्मपुरा बाजार की घटना दसी जा रही है जिथे एक नौजवान जिसका नाम घोड़ा दसिया जा रहा है उस नौजवान दे वल्लो फायरिंग कर दी गई। गुरप्रीत सिंह घोड़ा ने फायरिंग की है परमिंदर सिंह टीमसी ना दे नौजवान के उत्ते। यह फायरिंग जी है पैसे के लैन देन के चलदियां हुई है जिस तो बाद हालांकि पहले तो लोग तमाशबीन बन के उत्ते तमाशा देख रहे थे पर विच विचाले लोगों ने इस मामले की गंभीरता नूं समझते हुए पुलिस नूं फोन किया। फिर SSP मोहित अग्रवाल मौके पर पहुंचे जिन्हें निशानबीन करनी शुरू कर दी। जिमें साडे सहयोगी रणदीप सिंह हुणा ने दस्सिया कि इलाका काफ़ी संघनी आबादी वाला है तो उत्थे इस तरीके
तरीके दे नाल बेखौफ होए गुरमीत सिंह कोड़ा दे वल्लों इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। हालांकि इस वेले उसकी जो स्टेटस है वह भी फरार दस्सिया जा रहा है, पुलिस उसनूं लभण की कोशिश कर रही है। और यह भी दस दिए कि परमिंदर सिंह जिसनूं गोली लगी है जिहड़ा कि जख्मी हो गया सी, उसका इलाज चल रहा है हस्पताल दे विच और इस समय उसकी हालत खतरे तो बाहर बनी हुई है। पर इस पूरी घटना नूं लैके पटियाला दे लोकां दे विच सहम दा माहौल पाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके दीआं वारदातां लगातार पंजाब दे विच देखण नूं मिल रहीआं ने, लोग काफ़ी सहम दे माहौल दे विच जी रहे ने। पटियाला जिहड़ा है वह एक संघनी आबादी वाला यह बाजार दस्सिया जा रहा है जिस दे विच इह घटना वापरी है। इस बाजार दे विच इस एक नौजवान ने पैसे दे लैण देण दे चलदिआं इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता है। हालांकि पंजाब दे विच कानून की स्थिति लगातार डगमगांदी हुई नज़र आ रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल इस वारदात नूं मन्निया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके दे नाल सीसीटीवी तुसीं देख सकते हो कि ओरेंज कलर की शर्ट दे विच गुरमीत घोड़ा नज़र आ रहा है, उसके हाथ दे विच पिस्टल है ते अगे परमिंदर सिंह है जिसकी बांह दे उत्ते फायर कर दिता जाता है। हालांकि दो फायर कढ़े जाते हैं, एक फायर मिस हो जाता है जबकि दूजा फायर सीधा उसकी बांह दे विच लगता है। पैसे का लेन देन कुछ इस तरह है कि जिहड़ा घोड़ा है उसने परमिंदर दे किसी रिश्तेदार दे कोलों पैसे लए सी, उस रिश्तेदार दी हुण मौत हो चुकी है। उसकी मौत तो बाद परमिंदर दे इल्जाम ने कि गुरमीत घोड़ा वो पैसे देन दे लई तैयार नहीं है, उस तो बहुत बार पैसे मंगे गए ने पर हर बार वो लारे लप्पे ही लगा दिंदा है। इस बार जो पैसे मंगण दे लई गए तो उन्होंने अपनी गड्डी जड़ी है उसने अपनी गड्डी दे विचों बाहर निकल के फायर किया। हालांकि पहला मामूली जी बहस भी दसी जा रही है, मामूली जी बहस होंदी है, उस तो बाद गुरमीत घोड़ा नाँ का व्यक्ति परमिंदर सिंह दे उत्ते दो फायर करता है, पहला फायर मिस हो जाता है तो दूजा फायर बांह दे विच लगता है। तो इस नौजवान दे वलो जिसनों तुसी सीसीटीवी जो देख रहे हो जिसने ओरेंज कलर की शर्ट पाई हुई है इससे वालों फायर किया जाता है। हालांकि इस समय यह फरार दसिया जा रहा है, पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर परमिंदर की हालत खतरे तो बाहर दसी जा रही है, इलाज के लिए उसनों महिंद्रा हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया सी, उत्थे उसकी हालत खतरे तो बाहर दसी जा रही है। यह दस दिए कि काफ़ी संघनी आबादी वाला इलाका है, जिस तरीके की घटना इतने सामने आई है वो वड्डे सवाल खड़े कर दिए है पुलिस प्रशासन के उत्ते भी और उत्थे मौजूद लोगों के उत्ते भी, क्योंकि जिवें जानकारी के अनुसार तुसी सीसीटीवी तस्वीर भी देख सकते हो कि लोग आस पास तो लंघ रहे हैं अपने मोटरसाइकलों उत्ते अपनी स्कूटियां उत्ते पैदल चल के लंघ रहे हैं, पर किसी ने भी हमलावर नूं रोक के समझाने की कोशिश नहीं की थी। इस दौरान जिहड़ा परमिंदर सिंह गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया, हालांकि हुण उसकी हालत स्थिर दसी जा रही है। पर इस खबर ने एक बार मुड़ तो पुलिस प्रशासन के उत्ते भी वड्डे सवाल खड़े किए ने। हालांकि जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन थोड़ी देरी दे नाल पहुंचा, पर उस तो पहला ही घोड़ा जोड़ा उत्थों मौके तो फरार हो गया सी, ते जख्मी नूं सिविल जख्मी नूं हस्पताल जोड़ा है वह ले जांदा गया सी इलाज लई, हुण उसकी हालत खतरे तो बाहर दसी जा रही है। हालांकि पुलिस ने उसके बयान दर्ज करके मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। पुलिस के वलों यह भी छानबीन की जा रही है कि यह रंजिश किन्ने समय तो चलती आ रही है, या इस रंजिश के दौरान पहला भी कोई वारदात अजिही हुई है या नहीं हुई। दस दिए कि पटियाला के धर्मपुरा बाजार की यह घटना दसी जा रही है, जिथे शरेआम एक नौजवान ने पैसे दे लैण देण दे चलदिआं सामने वाली धिर दे एक व्यक्ति नूं गोली मार दित्ती, हालांकि उसका बचाव हो गया, वह गोली उसकी बांह ते लगी, एक फायर भी मिस हो गया। इस घटना ने पटियाला दे लोकां नूं एक बार मुड़ तो खौफ अते सहम दे माहौल दे विच पा दिता है। उधर पुलिस पूरी वाह लगा रही है इस मामले नूं ट्रेस करन दे लई अते पटियाला दी कानून स्थिति नूं मुड़ तो सही करन दे लई पुलिस दे वल्लों हर मुमकिन कोशिश जिहड़ी ओह कीती जा रही है। इस मामले दे विच जदे कोई अपडेट आउंदी है अपडेट